सारे सभी मित्रों को आज संडे बज रहा है सुबह के 8 और ये आ गए हैं रेखा दीदी आज बड़ी ही फास्ट। तो मैंने उठ के भाई खाना बना लिया था, काजू जी को नाश्ता पास्ता दे दिया था और मैंने भी स्नान इत्यादि कर लिया है, परंतु मेरी शक्ल से इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आज का जो स्नान हुआ है सिर्फ इसलिए हुआ है कि भाई स्नान करके फट से भगवान जी को भोग लगा दूँ, क्योंकि लल्ला घर पे हैं और लल्ला को भूखा नहीं रहना चाहिए, मतलब उनको खाया बिना आपको घर पे कुछ नहीं खाना चाहिए यदि आप घर पे लल्ला हैं। तो फिर मैंने कहा पहले लल्ला को खिला दूँगी उसके बाद कुछ खाऊंग पीऊँगी। अब रेखा दीदी इतनी फास्ट में पोस्टोरियस आ गई हैं कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा ये जो मेरा आपको सफ़ेद बाल दिख रहे हैं ना, तो पड़े मैंने बड़े केमिकल्स दिखाए और मैंने परमानेंट हेयर कलर कराया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। तो अभी मैंने एक ये आपका इंडिगो पाउडर मंगाया है फ्लिपकार्ट से और साथ साथ में मैंने यहाँ पे ये मंगा रखी है आपकी एक राजस्थान मेहंदी आधा किलो की, तो हर 15 दिन में मैं इसको लगा लेती हूँ। और ये देखो इसका ये है ना कि बाल आपके नेचुरली धीरे धीरे ब्लैक हो जाएंगे और ये मेरा तीसरी बार है जब मैं इसको लगाऊंगी और साथ साथ में ब्लैक होने के साथ साथ में जो भी हार्मफुल इफेक्ट है कलर का वो सब नहीं रहेगा बालों पर। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से बाल मेरे सफ़ेद हैं इस प्रकार से यदि मैं इसको लगाऊंगी तो जो मेरे बाल हैं ना वो ऐसे हाईलाइटेड लगेंगे। तो चलिए मैं इसका घोल कैसे बनाती हूँ मैं आपको सबको दिखाती हूँ। अरे पी लो चाय गुड़ वाली यार, अरे अब गुड़ वाली चाय बना दे, बना रहे पियो चुपचाप। ए तुम्हारा बाल खोल, बाल खोलो तुम अपना बाल खोलो जरा, कितना लंबा देखना है पिछुआ एकदम से जैसे बाहर फ्लिपकार्ट में जुड़ा आता है ना वैसे ही एकदम जुड़ा बना है तुम्हारा। मुड़ो देखो भैया रेखा का जुड़ा एकदम। रेखा दीदी बोलो हाय, ऐसे बोलो सबको बोलो कि हाय कर दो, मेरी दीदी का चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बोलो बोल रहे कर दो, दीदी का चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ट्राई तो करो, कहो कि हेलो फ्रेंड्स, बोलो शर्मा कर रहे हो तुम्हारी शादी देंगे। तो रेखा दीदी ऐसे शर्माती है जैसे कि मैंने इनकी शादी कराने की बात कर दी है और यही करती रहती है, देर से आती है कभी कभी, कभी जल्दी आ जाती है, बुरी है पर ठीक है, ओवरऑल ठीक है रेखा दीदी है ना, ठीक है ओवरऑल ठीक है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब उस समय तो बिल्कुल एकदम से ये लेट करके आती है, बट हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब कभी कभी हम घर पे नहीं रहते हैं तो भी हमारे घर की केयर करती रहती है रेखा दीदी जब हम आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो इसलिए ठीक भी है। चलो भैया यहाँ पे बालों में मेहंदी लगवा रहे हैं रेखा दीदी से और ये हमको कहती है कि लट खोल खोल के मेहंदी लगाएंगी, मतलब जैसे भी मेहंदी लगाएं मेरे बालों की सुंदरता का राज सिर्फ और सिर्फ रेखा दीदी जानती हैं, यही मेरे बालों की केयर करती हैं, है ना रेखा दीदी। तो हाल फिलहाल बालों में मेहंदी लग चुकी है, रेखा दीदी ने अच्छे से पोत पात दिया है और मुझे ना मतलब सिर्फ जैसे वो लगा जाती है मुझे उतना भी नहीं लगाना आता है, तो आई एम ब्लेस्ड कि रेखा दीदी है मेरी लाइफ में वो कर देती है। और अब मैं थोड़ा सा जो मेरी वीडियो है मुझे एडिट करके वीडियो अपलोड करनी है वो कार्य करूँगी और उसके पश्चात मैं कुछ और करूँगी, तब तक ये सूख जाएगा कि जिससे मैं सर पे दुपट्टा ले सकूँ। पते देखो अभी तक सो रहे हैं, बजने वाले हैं 9, क्या संडे है ना तो संडे के दिन तो उनको 51 दिन होता है। मेहंदी मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गीली हो गई, वो बही जा रही और मैं ये दुपट्टे लिए पोछे जा रही हूँ। तो अभी मैंने हर बार सोचा था कि ब्रेड मंगाई थी और ब्रेड पकौड़ा बना दूंगी इन लोगों के लिए, बट ब्रेड तो है नहीं घर में, मतलब सॉरी पकौड़ा मतलब बेसन तो है नहीं घर में, तो अभी है क्या चने की दाल है, तो मैं क्या करने जा रही हूँ चने की दाल को पीसूंगी। इसमें थोड़ा सा रात का चावल रखा है, चने की दाल को पीस करके जब एकदम से फाइन हो जाएगी तो रात का चावल थोड़ा सा मिला करके उसे पीस लूँगी, अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा और उसके बाद उसकी पकौड़ियाँ बना दूंगी ब्रेड वाली। चलो दिखाती हूँ कैसे।
अब बज रहे हैं 11:30 और 2.5 घंटे से मेहंदी लगी हुई है। मोस्ट ऑफ द काम खत्म हो गया है, आटा मार के रख दिया है, पति देव को चाय बना के दे दी, सामा भैया नहीं चाय थे उनको चाय बना के दे दी, पकौड़ी बनाकर दे दी, मतलब 2 टाइम पकौड़ी बनाई, सारी चीजें करी। अब जा रही हूँ मेहंदी धुलने, मेहंदी धुलने के बाद में फिर नीचे चल के रोटी सेकूंगी, सबको खाना पवा दूंगी। और आज की क्लास नहीं लगा रखी, आज मुझे मिरर वर्क कंप्लीट करना है, सुंदर सा मिरर वर्क बनाना है। ओके तो चलो भैया खाना वाना खिला करके जब मिरर वर्क शुरू करूंगी ना तब मिलती हूँ, मुझे खुद यूट्यूब पे सर्च करना पड़ता है कैसे कैसे करूँ। I've done yoga and all, और अभी ये एक्चुअली कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। इट्स नॉट माई हैबिट, आदत नहीं है मेरी, तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, मतलब 1 घंटे तक मैं नहीं कर पाई। मैंने हार्डली किया तुम्हारा 20 से 25 मिनट, और 20 से 25 मिनट करने में मेरे हाथ पैर में अभी स्ट्रेचिंग नहीं है उस प्रकार की जिस प्रकार से होनी चाहिए, तो मेरे हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो गया। तो हाल फिलहाल के लिए मैं छत पर आ गई हूँ, और जो 2 नए पौधे लगाने के लिए लेके आई थी दोनों लग गए हैं, तीनों लग गए हैं, एक नहीं लगा है अभी। तो कपड़े उतार करके नीचे जाऊंगी और आज खाने में बाटी चोखा बनाऊंगी, जो कि बिहार का तुम्हारा फेमस है। तो भाई साहब इतने में ही तो लिटरली थक गई, अभी खुद छत पे बैठूंगी, बातें बूतें करूंगी स्वाति से, फिर नीचे जाऊंगी 7 बजे का। तो चलिए भाई, योगा हो चुका है, प्राणायाम हो चुका है सारे, मतलब 2-3 प्राणायाम किया, उसके बाद में वॉक करी, फिर कपड़ा ऊपर से लेकर आई, शिखा से बात करी, पूजा पाठ करी, और अब जा रही हूँ अपने लिए 1 कप गुड़ वाली चाय बनाऊंगी, जिसमें दूध कम रहेगा, थोड़ी सी आपकी गुड़ रहेगी, चाय पत्ती रहेगी, इलायची पाउडर रहेगा, काली मिर्च पाउडर रहेगा और सोर पाउडर रहेगा, थोड़ा सा कम लूँगी इन सब चीज़ों को, और साथ साथ में बैगन आलू और टमाटर को एक साथ उबलने के लिए रखूँगी, क्योंकि आज सोच रही हूँ बाटी चोखा बना दूँ, और प्याज लहसुन वगैरह को छीलने का कार्यक्रम मैं शुरू करती हूँ। अब हाल फिलहाल 1 कप चाय, और चाय के साथ में चलेगी भाई साहब साउथ इंडियन मूवी, और शीशा फिक्स हो गया है, अभी यहाँ पे आलू आलू उबल जाए, मैं बैटर शटर बना के रख दूँ, उसके बाद जाके पेंट करती हूँ और दिखाती हूँ व्हाट डिड आई डू टुडे। या 25 रुपये मैंने कहाँ खर्च किए, कहाँ खर्च किया मैंने 25 रुपये पता नहीं मुझे। तो ये गुड़ वाली चाय मैं चले हूँ ना,
ये देखो बन चुकी है गर्मा गर्म गर्मा गर्म गर्मा गर्म। यहाँ पे बाटी उधर सीख रही है, चाचा जी को पराठा बनाकर दे दिया। सो मेनी थिंग्स टू डू यार, एक हाउस वाइफ की लाइफ इट्स नॉट दैट मच ईजी जितना हम समझते हैं, पर फिर भी यार नोबडी इज हियर टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन। चलो बातें कम करते हुए, और देखो मैं और देखो जो बाटी ये ऐसे करके फट जाती है ना, वही तुम्हारी सक्सेसफुल बाटी कहलाती है। तो मोस्ट ऑफ द बाटी मेरी ऐसे चिटक जाती है। पूछ लो फुल किससे लेने खाना, तुम्हें भी देने। काम हो चुका है एंड आप ये टेक्सचर देख रहे हैं, ये वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट अभी थोड़ा सा इसमें ना पेंटिंग पुंटिंग की मुझे लगता है कि ज़रूरत है। पेंटिंग पुंटिंग के बाद में ये और बेटर लगेगा, है ना। तो ये देखो भाई ऐसा बनकर आने वाला है, तो लेट मी पेंट इट, फिर मिलती हूँ। के साथ में इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। पेट बहुत निकला हुआ है दैट आई नो, मोटापा बढ़ा हुआ है दैट आई नो, बट हाउ डज इट लुक लाइक मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मेरा रेनोवेशन एंड मुझे तो अच्छा लग रहा है, रेस्ट यू विल टेल मी। ओके बाय बाय।